नमस्ते, मैं हूँ एकता योगेश जैन, हठ योग टीचर, और मैं आप सभी का NBD के माध्यम से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है माइग्रेन के ऊपर। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें एक्सट्रीम हेडेक्स के सिम्टम्स दिखते हैं और कभी कभी नौशिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सुन के घबराना नहीं है। अब यदि रोज़ाना योग प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके सिम्टम्स में राहत ज़रूर मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले आसन से, जिससे आपके माइग्रेन के सिम्टम्स से राहत मिलेगी। तो हमारा पहला आसन है डाउनवर्ड डॉग, अधोमुख शवासना। इसके लिए आपको नीलिंग पोस्चर में आना है, अपने हाथ को आगे की तरफ रखना है, शोल्डर्स और आपके रिस्ट एक लाइन में है। अब हल्का सा हाथ को मूव करना है, 1 palm डिस्टेंस। आपके हाथ पैरेलल रहेंगे, शोल्डर विथ अपार्ट रहेंगे। यहाँ से आपको टोस को टक करना है, आपके टोस को अंदर लाना है और फिर इनहेल करना है जगह पे और एक्सहेल करके उठना है। नीज को उठाना है, हिप को सीलिंग की तरफ लेके जाना है। हेड अप ईयर एक लाइन में रहेगा और धीरे से जब आप रेडी हो तब ही आपके हील्स को ड्रॉप करना है। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट है, हील्स ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। अगेन ज़बरदस्ती नहीं करना है, हो तो ही, वरना उसे रेज्ड ही रहने दीजिए। आपके आर्म्स एकदम स्ट्रेट है, हेड कम्प्लीटली पैरेलल, ईयर एंड हैंड इन वन लाइन। यहाँ पे ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, हैंड स्ट्रेच्ड आउट। 10 seconds रुकना है, यदि उससे पहले भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। धीरे से इनहेल करना है, नीलिंग पोस्चर पे आना है, रिलैक्स होना है। यहाँ पे कुछ समय तक आपकी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपकी ब्रीदिंग शांत हो जाए। तो ये था अधोमुख शवासनम। अधोमुख शवासन करने से आपके आपके माइंड में ब्लड सर्कुलेशन फैलता है, जिससे आपकी जो ब्रेन नर्व्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है। तो हम अपने दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा आसन है कैट पोज। कैट पोज के लिए आपको नीलिंग पोस्चर में आना है फिर से, और यहाँ से आपको अपने हाथ को सामने की तरफ प्लेस करना है जहाँ शोल्डर्स और रिस्ट एक लाइन में रहेंगे। जगह पे इनहेल करना है और एक्सहेल करना है और आपकी स्टमक को स्पाइन की तरफ लेके जाना है, राउंड करना है। विल स्टार्ट, पाम्स कम्प्लीटली ऑन द मैट एंड इट्स वेरी स्ट्रेट। आपके हाथ एकदम सीधे हैं शोल्डर की लाइन में। अब यहाँ से जगह पे इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, बैक को राउंड करना है कम्प्लीटली। यहाँ पे कुछ समय तक नॉर्मल ब्रीदिंग और फिर इनहेल करते हुए वापस आना है, फिर एक्सहेल करना है, कैट पोज में जाना है जहाँ आप अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और फिर रिलैक्स करना है, फिर ऊपर की तरफ। रिलैक्स्ड ब्रीदिंग पोस्चर में आना है। यह आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आपकी स्पाइन हेल्दी है तो आपकी ब्रेन नर्व्स भी हेल्दी है। हम अपने तीसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पद्मासना। ये दिखने में तो बहुत आसान है। हम अपने तीसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पद्मासना। ये दिखने में बहुत आसान है लेकिन करने में उतनी ही दिक्कतें आती हैं। इसमें आपको सिटिंग पोस्चर में आना है और आपके राइट लेग को रोल करके, काफ को रोल करना है बाहर की तरफ और अपने राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखना है। सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे, लेफ्ट की तरफ राइट लेफ्ट काफ को रोल करना है और उसके फीट को उठाकर राइट थाई के ऊपर रखना है। इसे हम कहते हैं पद्मासना लोटस पोज। लोटस पोज में हमारी बॉडी हमेशा रिलैक्स्ड हो जाती है, इसलिए इसे मेडिटेटिव पोस्चर भी कहते हैं। इसे आप कुछ समय तक करेंगे, यदि आप थक जाएं तो आप अपने दोनों पैर को रिलैक्स कर सकते हैं। ये आप एक एक पैर की तरह एक एक पैर से भी कर सकते हैं। आपको 1 leg लोटस पोज करना है
अभी इसमें कंफर्टेबल हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है और फिर दूसरे पैर से रिपीट करना है। यदि आपको लगे कि आप दोनों पैर से कंफर्टेबल हैं, आप दोनों पैर से लोटस पोज करें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें और खुद को रिलैक्स करें। यहाँ पे शोल्डर्स एकदम रिलैक्स्ड, हाथ को सीलिंग की तरफ रखना है, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रखना है, जिसे आप डेली लाइफ में ब्रीथ करते हैं वैसे ही। कुछ समय बाद आप खुद देखोगे कि आपके माइंड की वृत्तियां, आपके माइंड के थॉट्स शांत हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। तो ये था पद्मासन जो आपको पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है, आपके माइंड को शांत कर देता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को फैलाता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो माइग्रेन के ऊपर, और हमने सीखा कि हम क्या क्या ऐसे आसन कर सकते हैं जिससे हमारे माइग्रेन के सिम्टम्स में राहत मिलेगी। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, एंड आई ऑल्सो विश अ हैप्पी हेल्दी लाइफ टू यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।